Welcome back to the class. Today I am going to deliver a lecture on web programming in the topic multi-tier architecture. Multi-tier architecture. सेंटर में लिख सकते हैं सर क्या? इट इज आल्सो नोन एज क्लिक कीप क्वाइट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई विल टोल्ड यू ए मल्टी टियर आर्किटेक्चर इज आल्सो नोन एज एन टियर आर्किटेक्चर और थ्री टियर आर्किटेक्चर. Here is labor, as I am always discussing in the previous class. Tier means labor. There are three levels in this architecture. It describes how the communication is done in the way ये थ्री टीयर आर्किटेक्चर जिसको हम लोग एन टीयर आर्किटेक्चर भी कहते हैं, जिसमें तीन लेवल होता है जो डिस्क्राइब करता है कि कैसे कम्युनिकेशन होगा क्लाइंट और सर्वर के बीच. ये वर्किंग ये स्ट्रक्चर बताता है आर्किटेक्चर में कि स्ट्रक्चर It describes the structure and the working of the way. Working of the way. ये बताएगा कि वेब में हम कैसे कम वेब का स्ट्रक्चर कैसा होगा और कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे वेब के साथ. In this architecture, the functionality is divided. The functionality is divided into three layers. Top layer. इस आर्किटेक्चर के वर्किंग को डिस्क्राइब करने के लिए इसके फंक्शनलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए आर्किटेक्चर को तीन लेयर में बांटा गया है. टॉप लेयर, मिडिल लेयर एंड बॉटम लेयर. एट द टॉप लेयर देयर इज द क्लाइंट. टॉप लेयर में कौन होगा? क्लाइंट होगा, इसलिए इस लेयर को क्लाइंट लेयर भी कहा जाता है. दूसरा लेयर मिडिल लेयर, इसको एप्लीकेशन लेयर भी कहते हैं. एप्लीकेशन लेयर जो डिस्क्राइब करता है बिजनेस लॉजिक, दैट डिस्क्राइब बिजनेस लॉजिक. बिजनेस लॉजिक इसीलिए आल्सो नोन एज बिजनेस लॉजिक थियर. बिजनेस लॉजिक थियर टॉप लेयर इज
क्लाइंट टीयर भी कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर दी वेब सर्वर वेब सर्वर वेयर द रिक्वेस्ट इज प्रोसेस्ड बाय द बिजनेस क्लाउड या एप्लीकेशन लेयर या एप्लीकेशन में वेब एप्लीकेशन जो रन करेगा कहां पर वेब सर्वर इसलिए सेकंड लेयर को वेब सर्वर भी कहा जाता है। यदि हम केवल दो लेयर को कंसीडर करें ये कहलाएगा टू टीयर आर्किटेक्चर दो लेवल का आर्किटेक्चर जहां पर केवल रिक्वेस्ट और रिस्पांस होगा जिसको पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जो तीसरा लेयर है इसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन लेयर इंफॉर्मेशन या डेटा टीयर कहा जाता या लेयर कहा जाता है स्टोर एंड प्रोसेस डेटा जो डेटा को रिक्वेस्ट करेगा या प्रोसेस करेगा। Is it clear? Clear, sir. यहाँ तक कोई क्वेश्चन? Any question? No, sir. No question, sir. टिपिकल डायग्राम और थ्री टीयर आर्किटेक्चर थ्री टीयर आर्किटेक्चर होगा आर्किटेक्चर का उसके सबसे टॉप लेयर पे क्लाइंट हो टॉप लेयर डेस्कटॉप लेयर मिडिल लेयर पर वेब सर्वर हो वेब सर्वर और बॉटम लेयर पर डेटा बेस हो बॉटम लेयर पर डेटा बेस हो। डेटाबेस या फाइल सर्वर देयर इज ए टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन ईच लेयर तीनों लेयर के बीच परस्पर जो है टू वे कम्युनिकेशन हो इन फुल डुप्लेक्स मोड ये बता चुके हैं पिछले दिन। ये जो वेब सर्वर है ये मिडिल लेयर कहलाएगा मिडिल लेयर कहलाएगा और डेटाबेस कहलाएगा बॉटम लेयर बॉटम टॉप लेयर मिडिल लेयर और बॉटम लेयर। जिस क्लाइंट का क्या काम है क्लाइंट क्या करेगा रिक्वेस्ट सेंड टू दी वेब सर्वर सेंड टू दी वेब सर्वर फॉर वेब रिसोर्सेज वेब रिसोर्स के बारे में बताए थे कि वेब रिसोर्स जो ऑर्गेनाइज होता है वो वेब पेजेस के रूप में वेब पेजेस कंटेंट करता है एचटीटीपी कंटेंट या तो वो कंटेंट स्टैटिक होगा या कंटेंट डायनेमिक होगा।
स्पेस प्रोवाइड किया, यही प्रोटोकॉल यूज किया जाएगा, वो प्रोटोकॉल होगा एचटीटीपी प्रोटोकॉल, इसलिए रिक्वेस्ट साइज कहलाएगा एचटीटीपी। पिछले क्लास में डिस्कस किए थे डिफरेंट रिक्वेस्ट साइज, अलग अलग पर्पस के लिए क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा वेब सर्वर, तो जिस प्रोसेस के लिए रिक्वेस्ट करेगा वो रिक्वेस्ट टाइप कहलाएगा। प्रोटोकॉल यूज होगा एचटीटीपी। वेब सर्वर क्या करेगा, वेब सर्वर रिसीव करेगा रिक्वेस्ट, रिसीव रिक्वेस्ट सेंड बाय द क्लाइंट, क्लाइंट के द्वारा जो रिक्वेस्ट भेजा जाएगा वेब सर्वर को वो रिसीव करेगा। दूसरा काम क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस भी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट चाहे तो स्टैटिक पेज के लिए हो सकता है या रिक्वेस्ट डायनेमिक पेज के लिए होगा, दोनों ही केसेस में प्रोसेस तो करेगा। जब स्टैटिक पेज की बात करेंगे तो प्रोसेस मिनिमम होगा, वेट बहुत कम होगा क्योंकि वेब पेज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि डायनेमिक पेज यूजर के रिक्वेस्ट पर क्रिएट होगा तो वहां पर प्रोसेस किया जाएगा, बिजनेस लॉजिक का यूज किया जाएगा। और तीसरा पेज होगा रिस्पॉन्स पेज, रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर, फ्रॉम द सर्वर रिस्पॉन्स किस रूप में होगा, एचटीटीपी कंटेंट के रूप में, इसलिए जो प्रोटोकॉल यूज किया जाएगा ये एचटीटीपी रिस्पॉन्स कहलाएगा। जो तीसरा लेयर है वो है डेटाबेस, उसका काम क्या है, स्टोर एंड प्रोसेस डेटा फॉर द बिजनेस लॉजिक, फॉर द बिजनेस लॉजिक, बिजनेस लॉजिक के द्वारा डेटा को स्टोर कराना, प्रोसेस कराना, रिट्रीव कराना, ये सारा काम किसका होगा, किसके लेयर का होगा, डेटाबेस लेयर कहलाएगा। डायग्राम समझ में आ गया सर? डायग्राम में कोई प्रॉब्लम? नो सर, डायग्राम समझ में आ गया सर। मेरा और कोई है जिसको प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है सर, आगे बढ़े जी सर। नोट कर लिए बोर्ड का कंटेंट? जी सर। नोट भी करते जाओ तुम लोग नोटबुक में, ऑलरेडी ये मटेरियल दे चुके हैं, फिर भी यदि बोर्ड पर कुछ नया मिले उसको नोट कर दो। बोर्ड क्लियर है, विजिबल है? कर रहे हैं सर, नोट कर रहे हैं। विजिबल है बोर्ड, दिख रहा है? जी सर, विजिबल है जी सर, अच्छे से दिख रहा है। डिटेल में बात करते हैं, पहला लेयर है हमारा टॉप लेयर, या बॉटम से स्टार्ट करते हैं। मूव के टाइम के हिसाब से बात करें तो बॉटम विस्तार से बात करें बॉटम लेयर की, बॉटम लेयर जिसको कि इंफॉर्मेशन लेयर या डेटा लेयर भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन लेयर या डेटा लेयर
लेवल हो या टीयर्स हो, जनरली ये जो होता है ये मेंटेन करता है डेटा फ्रॉम द डेटा मेंटेन डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर, मिडिल लेयर था उसके डेटा को ये मेंटेन करता है, क्योंकि मिडिल लेयर में केवल बिजनेस लॉजिक होता है, डिसीजन होगा, प्रोसेस होगा, लेकिन डेटा स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होती है। डेटा स्टोरेज की फैसिलिटी कहाँ होगा? बॉटम लेयर में, इंफॉर्मेशन लेयर या डेटा लेयर पर, जिसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंटेन डेटा फ्रॉम दी एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन लेयर डेटा प्रोड्यूस करेगा उसको स्टोर करेगा, या एप्लीकेशन लेयर जो डेटा रिक्वेस्ट करेगा उस डेटा को रिसीव करेगा। ये टीयर जो है डेटा ट्रांसफर करता है, इसको डेटा करता है जहाँ तक रिलेशनल डेटा है, रिलेशनल डेटा जो बॉटम लेयर होगा डेटाबेस यूज किया जाएगा वो क्या होगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS। डिटेल में इसको पढ़ोगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को थर्ड सेमेस्टर में कितने तरह का डेटाबेस होता है, हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल और ऑब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको ऑब्जेक्ट रिलेशनल भी कहते हैं। तो डेटा स्टोरेज के लिए जो सिस्टम यहाँ पर यूज किया जाता है वो है RDBMS। जैसे मान लो कि स्टूडेंट तुम अपना रिजल्ट देखना चाहते हो ऑनलाइन वेब पर, वेबसाइट के द्वारा, वेब एप्लीकेशन के द्वारा, तो तुम रिक्वेस्ट करते हो रिजल्ट पेज को अपना रोल नंबर, सेशन या सम अदर डिटेल प्रोवाइड कर, जो क्लाइंट रिक्वेस्ट कहलाएगा। वो रिक्वेस्ट रिसीव किया जाता है वेब सर्वर के द्वारा, वेब सर्वर फर्दर रिक्वेस्ट करेगा किसको, बॉटम लेयर, इंफॉर्मेशन लेयर को, वो डेटा अवेलेबल है या नहीं डेटाबेस में, रिलेशनल डेटाबेस में। यदि रिलेशनल डेटाबेस में वो डेटा होगा, वो डेटा या वो रिकॉर्ड से भेजा जाएगा, सेंड किया जाएगा किसको, एप्लीकेशन लेयर को, एप्लीकेशन लेयर प्रोसेस करेगा, पेज डिजाइन करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और वो रिस्पॉन्स को भेजेगा क्लाइंट। तो जो थर्ड लेयर है, बॉटम लेयर है, उसका काम क्या हो गया, ये कम्युनिकेट करेगा किसके भी, बॉटम लेयर क्या करेगा, कम्युनिकेट विद एप्लीकेशन, ये कम्युनिकेट किससे करेगा, एप्लीकेशन लेयर। कोई प्रॉब्लम, कोई सर यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करना जरूरी है, नॉर्मल DBMS यूज करने से कोई प्रॉब्लम आएगा? DBMS तो एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, DBMS क्या है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है। जैसे जैसे स्टूडेंट की बात करें, किसके हम, किसको हम आइडेंटिफाई करें, कोई स्पेसिफिक तो नहीं हुआ, वो तो एक जनरल एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है। DBMS क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल। DBMS का कई तरह का आर्किटेक्चर होता है, हायरार्किकल DBMS, नेटवर्क DBMS, रिलेशनल DBMS और ऑब्जेक्ट रिलेशनल DBMS। आज जो मेनली तुम्हारे पास डेटाबेस है, चाहे वो हम ओरेकल की बात करें, MySQL की बात करें, Sybase की बात करें, ऑलमोस्ट जो भी देखने को मिल रहा है डेटाबेस, वो तुम्हारा है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मोस्टली सर्वर जो प्रोवाइड करती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आर यू अंडरस्टैंड सर? हम लोग के कंप्यूटर में जो MS Access का यूज करते हैं सर, MS Access का, वो किस टाइप का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आएगा? वो जो तुम MS Access यूज करते हो वो वेब पर प्रेफरेबल नहीं है। वेब पर यदि तुम वेब में एक्सेस रखोगे, वेब सर्वर पर एमएस एक्सेस तुमको देखने को नहीं मिलेगा। लोकल होस्ट में जहाँ तक बात है, एमएस एक्सेस यूज करते हो, हम कभी भी प्रेफर नहीं करते हैं एमएस एक्सेस। यदि तुमको फ्री वाला ही DBMS यूज करना है, MySQL को प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसका सर्वर वर्जन होता है, एक्सेस का सर्वर वर्जन नहीं है, वो लोकल कंप्यूटर पर रहेगा। आर यू अंडरस्टैंड?
क्योंकि एप्लीकेशन वेब का है वो डेटाबेस भी कहाँ पर रहेगा, वेब पर। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सर्वर वर्जन होना जरूरी है, क्लाइंट से रख के हम डेटा को, समझ में आया बात? समझ गए। ठीक है, अब अगले लेयर पर एग्जांपल भी समझ में आ गया। नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं, मिडिल लेयर। मिडिल टीयर को कहा जाता है बिजनेस लॉजिक टीयर, बिजनेस लॉजिक टीयर, या इसको हम लोग वेब एप्लीकेशन या वेब फाइल या वेब सर्विसेज भी कह सकते हैं। जनरली ये जो पेज होता है या वेबसाइट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज होता है। हम स्टैटिक वेब पेज की बात नहीं करेंगे क्योंकि स्टैटिक वेब पेज में कोई बिजनेस लॉजिक नहीं होता है, वो स्टैटिक कंटेंट होता है जो बना हुआ होता है HTML या HTML लैंग्वेज HTML स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। इसमें किसी तरह का प्रोसेसिंग नहीं होता, ये केवल लेआउट डिजाइन करता है वेब पेज का, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता है, कोई कंप्यूटेशन नहीं कर सकता है। तो बिजनेस लेयर का मतलब ये सर्वर साइड पेज, सर्वर पेज जिसको डायनेमिक पेज भी कहते हैं, जो कई टेक्नोलॉजी के द्वारा डिजाइन किया जाता है, जिसमें मैन्युअली यूज किया जाता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। या आज की बात करें, रिसेंटली बात करें, डॉटनेट टेक्नोलॉजी की बात करें, तो वहाँ पर कोड बिहाइंड मॉडल यूज किया जाता है सर्वर पेज डिजाइन करने के लिए, जिसमें बिजनेस लॉजिक को डिफाइन किया जाता है। ट्रेडिशनली इसके पहले जो यूज किया जाता था वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज किया जाता था, स्क्रिप्टिंग में सर्वर साइड स्क्रिप्ट यूज किया जाता था, जैसे PHP स्क्रिप्ट, सम DB स्क्रिप्ट, JavaScript का जो लेटेस्ट वर्जन है वो भी सर्वर स्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। स्क्रिप्टिंग का यूज किया जाता है, स्क्रिप्टिंग के पहले क्या यूज किया जाता था, जो टेक्निक यूज किया जाता था कॉमन गेटवे इंटरफेस, वो भी स्क्रिप्ट का यूज करता था, CGI करते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कॉमन गेटवे इंटरफेस, जिसके लिए हम लोग सी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, C++ का यूज कर सकते हैं, पर्ल का यूज कर सकते हैं, पाइथन का यूज कर सकते हैं CGI स्क्रिप्ट डिफाइन करने के लिए। सारे का उद्देश्य है बिजनेस लॉजिक डिफाइन करना, टेक्नोलॉजी अलग अलग। सर्वर पेज में कई टेक्नोलॉजी है, PHP पेज है, JSP है, जावा सर्वलेट है, इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं आर्किटेक्चर या वेब एप्लीकेशन। तो वेबसाइट केवल कलेक्शन ऑफ HTML पेज नहीं होगा, नहीं तो बिजनेस लॉजिक हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, यूजर का स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पूरा नहीं हो पाएगा। कोई क्वेश्चन? No, sir. तो बात कर रहे हैं यहाँ पर मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर किसके साथ हम मिडिल लेयर जो बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेगा, ये इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट विद, आवाज आ रही है? मिडिल लेयर को नहीं बाबू, DNS अलग चीज है, हम वेब कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, वो इंटरनेट में आता है तुम्हारा DNS मिडिल लेयर, मतलब फिजिकल अरेंजमेंट में। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसका, लॉजिकल अरेंजमेंट की, ये पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। वो जो DNS की बात करते हो मिडिल लेयर में, वो लेयर नहीं कहेंगे, इंटरमीडिएट कहेंगे, इसके बीच क्लाइंट और सर्वर के बीच, वो इंटरनेट कनेक्शन, ये वेब की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर पार्ट की बात कर रहे हैं। क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट क्यों करेगा,
तो यूजर का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए एप्लीकेशन क्लाइंट भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्लाइंट ये इंटरेक्ट करेगा दोनों के साथ, क्योंकि मिडिल लेयर में है तो अपने अपर लेयर के साथ भी इंटरेक्ट करेगा और लोअर लेयर के साथ। जैसे मान लो कि महराजी की बात करते हैं, ग्रैंड फादर, फादर और ग्रैंड चाइल्ड, तो यहाँ पर ग्रैंड फादर कार्ड हो गए टॉप लेयर में, फादर कहाँ हो गए मिडिल लेयर में, चाइल्ड कहाँ हो गया बॉटम लेयर में। तो जो मिडिल लेयर में फादर है या पेरेंट्स है वो कम्युनिकेट करेंगे किसके साथ, ग्रैंड फादर के साथ भी, अपर लेयर के साथ भी और ग्रैंड चाइल्ड के साथ भी। ये अपर लेयर के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है के साथ करने के लिए रिक्वेस्ट को रिसीव कर रही है, और ये इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा डेटा बेस के साथ, एप्लीकेशन डेटा के लिए इसके लिए इंटरेक्ट करेगा एप्लीकेशन डेटा के लिए। टाइम खत्म हो रहा है, 5 मिनट है, जल्दी कंक्लूड कर रहे हैं। तीसरा लेयर जो है वो है टॉप लेयर। तीसरा लेयर है टॉप लेयर है, हाँ टॉप लेयर, टॉप लेयर है टॉप। इसको क्लाइंट लेयर भी कहते हैं, क्लाइंट मतलब एप्लीकेशन क्लाइंट, क्लाइंट लेयर भी कहते हैं। ये इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, इंटरेक्ट ये किसी सबसे टॉप लेयर है, जैसे ग्रैंड फादर है, ग्रैंड फादर किससे कम्युनिकेट करेंगे, फादर के साथ इंटरेक्ट विद मिडिल लेयर, ये केवल इंटरेक्ट करेंगे मिडिल लेयर बिजनेस लॉजिक के साथ। क्या करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा और तीसरा इसका काम क्या होगा, रिसीव डेटा फ्रॉम, रिसीव डेटा, डेटा मतलब एचटीटीपी कंटेंट, एचटीटीपी कंटेंट फ्रॉम दी वेब सर्वर, रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट प्रोसेस होगा मिडिल लेयर में, फिर वो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा, रिस्पॉन्स रिसीव करेगा एचटीटीपी कंटेंट के रूप में, फाइनली क्या करेगा रेंडर दी वेब पे, रेंडर की वेब कंटेंट, रेंडर का मतलब डिस्प्ले कराएगा वेब कंटेंट को वेब क्लाइंट, वेब क्लाइंट को हम लोग वेब ब्राउजर भी करते हैं, वेब ब्राउजर भी करते हैं, ये भी डिस्कस कर सकते हैं पिछले क्लास में। थैंक यू टीचर, कोई क्वेश्चन? नहीं सर, कत्ती सर। अच्छा क्लास यहीं पर एंड कर रहे हैं, टॉपिक समझ में आ गए? जी सर। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में मीट करेंगे, मीटिंग एंड कर रहे हैं। थैंक यू सर, वेलकम।